दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो ECL ग्रुप सी का आज के दिन का दूसरा मैच होगा बैवरन और रॉयल टाइगर्स बुडापेस्ट के बीच में। तो डेप्थ एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करूँगा, बस आपको वीडियो समझना है, उसके बाद में आप खुद से भी टीम बना सकते हो। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वहीं पर फाइनल टीम न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स ऑफिशियल बेटिंग ऑर्डर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आप जाओगे जहां पर आप कमेंट करते हो, तो वहां पर भी जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे इस मैच के बारे में। 6 बजे मैच स्टार्ट होगा, काटमा ओवल काटमा में मैच खेला जाएगा। आर्टिफिशियल विकेट है, एवरेज स्कोर 90/110 बनता है। 33 मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं, 15 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 17 में चेज हुआ है। पहले बात करेंगे बैवरन की टीम की। बैवरन की टीम ने यहाँ पर 2 मुकाबले खेले हैं, पहला हारे दूसरा जीते, और इनकी जो टीम है अच्छी टीम है, भले ही पहला मैच हार गई लेकिन टीम अच्छी है। हदीसुल्ला तरेखेल और हकीम खक्सर ने दूसरे मैच में ओपन किया था। पहले मैच में ओपन करने आए थे अब्दुल रशीद और हदीसुल्ला तरेखेल, लेकिन टॉप 3 इनका यही रहने वाला है। हदीसुल्ला तरेखेल भाई ओपन भी करेगा, साथ के साथ 2 ओवर भी डालेगा। पहले में 12-0 विकेट, दूसरे में 6-1 विकेट है, बिल्कुल टीम में आपके होना चाहिए। हकीम खक्सर पहले में 16-2 विकेट, दूसरे में 27-2 विकेट है, ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीज़ें करता है और दोनों टॉप क्लास करता है। अब्दुल रशीद पहले में 19 नॉट आउट, दूसरे में 21 है, अच्छा प्लेयर है। नूर मोहम्मद ये एक हिटर प्लेयर है, आते ही शॉट्स लगाता है। पहले में 13 रन की हिटिंग वाली पारी थी, दूसरे में जल्दी आउट हुआ। अब देखो, अगर आपको रिस्क लेना है, हिटिंग वाला प्लेयर चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। सब्बेर जाकिर ये भी हिटिंग करेगा, पहले में 14 दूसरे में 14 है, नंबर 5 पर आएगा। 2022 में 21 मैच में 221-17 का एवरेज है। असिकुल्ला सैयद ये पावर प्ले का बॉलर है, जनरली आपको देखा जाएगा कि पहला और तीसरा ओवर डालता है। 2 विकेट है पहले में, दूसरे में 9 रन 0 विकेट है। 2022 के अंदर 12 मैच में 12 विकेट है। यहाँ से सईदुल्ला ओतमन जाई पहले मैच में जरूर विकेट लेस था, 15-0 विकेट, लेकिन दूसरे में 7 रन भी थे और उसके साथ साथ 3 विकेट भी थे। 2022 में 10 मैच में 97-2 विकेट है। फिर आएंगे यहाँ से मोहम्मद नोमन, पहले में 4 दूसरे में 12 नॉट आउट है, बॉलिंग मिल नहीं रही और बैटिंग बहुत नीचे कर रहा है, नंबर 8 के करीब आ रहा है। 2022 में 10 मैच में 97-2 विकेट है, उतना खास पिक नहीं है। अब्दुल शफी बिल्कुल खास रिकॉर्ड नहीं। अब्दुल बशीर, अब देखो पहला मैच खेला नहीं बशीर, दूसरा खेला लेकिन बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी दूसरे मैच में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब्दुल बशीर एक टॉप क्लास का स्पिनर है। आप देख सकते हो T10 में 1 मैच में 0 विकेट है, जबकि 2022 ODD में 16 मैच में 283 रन 33 विकेट है। तो इसको आप GL में रिस्की टीम में रख लेना, स्मॉलिंग में तो नहीं रखूंगा मैं। जबर खेले, पहले में विकेट ले, दूसरे में 1 विकेट है, ये भी 2 ओवर डाल रहा है, 7 मैच में 3 विकेट है 11 ओवर डाल के। अब देखो अभी के लिए मैं यहाँ से पिक करूँगा हदीसुल्ला तरेखेल, हकीम खक्सर, अब्दुल रशीद और असिकुल्ला सैयद, ओतमन जाई और नीचे से यहाँ पर जबर खेल। बाकी बेंच में जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टेट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे असिकुल्ला सैयद, एच तरेखेल, डेथ के ओवर डालेंगे एच खक्सर, एच तरेखेल, जे जबर खेल। बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि रॉयल टाइगर्स बुडापेस्ट की टीम की, दोनों मैच हारी हैं। अब देखो दूसरा जो मैच था वहां पर ओपन किया था जहीर सफ़ी और खैबर दिलदार ने, पहले मैच में ओपन किया था खैबर दिलदार और इनके साथ में आए थे मार्क अहूजा, तो बैटिंग ऑर्डर दोनों मैच में बदला है। अब देखो जहीर सफ़ी ना भाई कल दोनों मैच में 0 पर आउट हुआ, लेकिन इतना बुरा ये प्लेयर है नहीं। आप इसका रिकॉर्ड देख लो, ओवरऑल 34 T10 में 622 हैं और 2022 में भी 25 मैच में 382 हैं, तो अच्छा प्लेयर है। बस ये जरूर है कंसिस्टेंट नहीं रहता, एक मैच चलता है 4 मैच फेल होता है, उस प्रकार का प्लेयर है। खैबर दिलदार पहले में 6 दूसरे में 7 है, इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि हर मैच में ये अच्छा नहीं करता है और बॉलिंग करवा नहीं रहा। 2022 में 28 मैच में 192 रन है। स्टेन अहूजा पहले में 55 नॉट आउट, दूसरे में 21 है, दोनों मैच में अच्छी बैटिंग की है, विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छा चॉइस है। अभितेज प्रसाद मेरे को इनकी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर लगता है, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर सकता है। पहले में 22-2 विकेट है, दूसरे में 0-1 विकेट है। 2022 में 19 मैच में 216-25 विकेट है। मार्क अहूजा पहले में 7 दूसरे में 3 है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। 2022 में 12 मैच में सिर्फ 88 रन है। अब्दुल रहमान पहला मैच खिला नहीं, दूसरे में 5 नॉट आउट है। अभिषेक खेतरपाल इनका एक अच्छा डेथ बॉलर है, स्पेशली अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है। 2 रन 0 विकेट है पहले में, 2 रन 1 विकेट है दूसरे में। 2022 में 19 मैच में 174 15 विकेट है। सूफियान महमद 0 और 9 बैटिंग है।
वकर महमूद की बात करूँ, पहले में विकेट लेस, दूसरे में एक विकेट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वकर महमूद रहेगा जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी। 2023 में 7 मैच में 7 विकेट है। मोहम्मद सकलेन पहले में 1 विकेट, दूसरे में 1 ओवर डाला जिसमें विकेट लेस था। और अकरमुल्ला मलिकजादा पहला मैच खेला नहीं, दूसरे में बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी। हालांकि बॉलिंग करवा सकता है लेकिन दूसरे मैच में बॉलिंग इसको मिली नहीं थी। 2022 में 14 मैच में 26 रन 6 विकेट है। अब देखो यहाँ से मैं अभी के लिए पिक करूँगा, देखो यहाँ से रखूँगा अभितेज प्रसाद, स्टैन आहूजा, अभिषेक खेतरपाल और इसके अलावा एक और प्लेयर में रखूँगा। इनके में सिर्फ 4-5 ही प्लेयर रखूँगा अभी, बाकी बेंच में जो भी प्लेयर हैं इनमें से कोई भी खेले स्टेट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओर डालेंगे अभितेज प्रसाद, खेतरपाल, सकलेन। डेथ के ओर डाल रहे हैं वकर महमूद, सकलेन और खेतरपाल। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम की तो आप देख सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने स्टैन आहूजा को रखा है, बैटिंग सेक्शन से सब्बेर, जाकिल, जहीर, सफ़ी, अब्दुल रशीद को रखा है और ऑलराउंडर सेक्शन से अभिषेक खेतरपाल, हदीसुल्ला तारिकेल, एस ओतमनजाई, हकीम खक्सर को रखा है। बॉलिंग सेक्शन से अभितेज प्रसाद, जबर जबर खेल, अस्तिकुल्ला सैद को रखा है। कैप्टन एच खक्सर, वाइस कैप्टन ए प्रसाद है। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।